नमस्ते दोस्तों, राम राम। नमस्ते दोस्तों सबको, राम राम। कैसे हो भाई? बढ़िया है भाई। आज क्यों बैठे हैं हम इतने देर तक, जानते हो भाई? वही तो, बहुत एक्साइटेड है इतने देर से। बहुत देर से मैंने भी हरी भाई को बुला लिया था भाई। बहुत ही अहम मौका है, इम्पोर्टेंट टाइम है। इस टाइम में ना रहोगे तो कैसे चलेगा? तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के थोड़ा सा छुट्टी करके अर्ली चले आए हैं। तो दोस्तों, आपका प्यार और आपका सपोर्ट सब ऐसे मिलजुल के हमारा एक बड़ा सा हमारा काम एक सक्सेसफुल हो गया। बिल्कुल, अभी आने वाला है, रिवील करेंगे भाई। हाँ, क्या है, कैसा दिखता है, क्या है सब कुछ। ठीक है, अभी इतना देर तो इंतजार कर ही लिया है, अब थोड़े देर ही और सही। दोस्तों, फाइनली हमको गाड़ी मिल चुका है अभी। और ये जो भाई हैं, इनका नाम है स्वाधीन सावत, पूरा नाम है ना भाई, कैसे हैं? और ये जो भाई हैं, इन्होंने बहुत मदद किया हमारा, और इनका ही बहुत बड़ा हाथ है ये गाड़ी लेने में हम सफल हुए। इनको सारा क्रेडिट जाता है, मैं तो कहता हूँ, ठीक है नहीं भाई? हाँ भाई। और ये जो शोरूम में काम करते हैं वो नेक्सा जयपुर में है, हमारे कोरापुट के पास ही, लेजेंड कार्स, वहाँ पे काम करते हैं। इनका नंबर और डिटेल सब शेयर कर दूंगा। तो आपको फ्यूचर में कोई भी गाड़ी चाहिए, मतलब नेक्सा का जो भी मॉडल, जिस भी मॉडल में चाहिए, सर्विस वगैरह का, बिल्कुल बेफिक्र रहकर इनसे गाड़ी ले सकते हैं। हमको तो इतना दिन से सपोर्ट किया, जितना भी बोलो कम पड़ जाएगा, तारीफ जितना करो कम हो जाएगा भाई। एक्चुअल में सच में बहुत बहुत थैंक यू दिल से आपको, जितना किया हमारे लिए आप, मतलब दिन रात एक कर दिए थे, मैं कह रहा हूँ आपको, यकीन मानिए, लिटरली ऐसे हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच, आपकी गाड़ी लेकर आई इतने दूर से हमारे लिए। गुड आफ्टरनून दोस्तों, बताएं कहाँ जा रहे हैं आज? पीछे देखिए, पूरे फैमिली के साथ जा रहे हैं आज। तो पीछे देखिए भाई, गुड आफ्टरनून। हमारा छोटा यूट्यूबर भी सो गया है भाई। सो गया क्या? सो रहा है। अच्छा क्योंकि ये पहला ट्रिप है ना आज हमारा जिमनी में, मारुति जिमनी में भाई। मजा आ रहा है, राइड क्वालिटी तो एकदम बढ़िया लग रहा है मुझे। कम्फर्ट लग रहा है कि नहीं भाई, बोलो? हाँ, मुझे भी बहुत कम्फर्ट लग रहा है भाई। बहुत बढ़िया लग रहा है, आज ट्रिप होगा पहला ट्रिप। गाड़ी का पूजा कर लिया हमने, क्योंकि आपने वीडियो में देख लिया होगा। आज जा रहे हैं गुप्तेश्वर, एक वो क्या कहते हैं, मन्नत टाइप का था ना हमारा, वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा दर्शन करेंगे। पहली बार जो गाड़ी लिए हैं, इतने दिनों के ख्वाहिश के बाद ख्वाहिश पूरा हो गया। हाँ, हमारा एरिया में बड़ा सा एक शिवलिंग है गुप्तेश्वर, बहुत फेमस है भाई। वहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत जगहों से आते हैं दूर दूर से दर्शन के लिए। और हमने अपने ब्लॉगिंग चैनल में भी उसके वीडियो डाला था, हिंदी में, इंग्लिश में पहले डाला था। पहले इतना अच्छा वीडियो नहीं था, लेकिन वो वायरल हो गया था, मीडिया में 1.5 मिलियन व्यूज आ गए थे। फिर दोबारा तो हिंदी में बनाया और भी अच्छे से डिटेल में दिखाया है, इसी चैनल में आप देख सकते हैं। तो वो भी कुछ दो लाख करीब व्यू गए थे, बस उन्होंने डिलीट करना पड़ा वीडियो को, फिर से री अपलोड करना पड़ा, इसीलिए वो व्यूज अभी नहीं दिखेंगे आपके। तो ऐसा है, वहाँ पे जाएंगे दर्शन करेंगे, फिर जल्दी से कैंपिंग वैम्पिंग स्टार्ट करेंगे। भैया क्या बोलते हो? हाँ भाई, ऐसे ही करेंगे। हाँ, हमारा छोटा यूट्यूबर भी सो गया था भाई, अभी तो उठ गया। जग गया वो? हाँ वो चलता ही रहेगा सिलसिला, वो सोता रहेगा, जागता रहेगा। कैसा लग रहा है? एकदम पूरा नया जिमनी में, सुपर सुपर। कार में बढ़िया लग रहा था ना, या जिमनी में अच्छा लग रहा है? जिमनी में और अच्छा लग रहा है, एकदम पूरा कंफर्ट। अरे ये बारिश आने लगी भाई, देखो सामने।
हाँ। अरे जंगल देखो यार, बारिश भी हो रही है यहाँ पे। हाँ, थोड़ा थोड़ा ग्लास में थोड़ा थोड़ा पानी भी चिपका हुआ है, चिपका हुआ है भाई। जंगल देखो भाई कैसा, ये इस तरफ बहुत जंगल है। हाँ। आगे आगे और भी दिखाएंगे, रुको। क्या जंगल है भाई ये, पूरा तो घना जंगल है भाई। इस तरफ देखो, ये बाप। यही था वो घाट सेक्शन। हाँ यही था वो, डोकरी घाटी बोलते हैं ना भाई। हाँ डोकरी घाट था ये। हाँ। उड़ा दिया, कैसे प्लेन बना दिया देखो इसको। ये पहले गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था भाई, पूरा कितना बड़ा पहाड़ उड़ाया है देखो यार। हाँ। इतना ऊंचाई पे था ये, देखो कितना दूर दूर से पहाड़, पूरा पूरा प्लेन हो गया है। ठीक है, हमारे मेमोरी में तो वो रहेगा। हाँ। वो दिखाएंगे, वो वीडियो में थोड़ा सा क्लिप दिखा देंगे कैसे था वहाँ पे, यहाँ पे ओरिजिनली। वाह वाह, क्या कर दिया गया है, पूरा प्लेन कर दिया है भाई। यहाँ पे मंदिर हुआ करता था ना, डाल खाई करते। ये जंगल में ना तेंदुआ भालू बाघ सब रहते हैं भाई। ओरिजिनल जंगल है ये, यहाँ पे कैंपिंग करने का ये अलाउ नहीं है यहाँ पे। नहीं तो हम कर लेते, अगर तो बहुत ही बने ऐसे एरिया मिल जाए तो कैंपिंग करने का। मगर हम जो इस एरिया में करते हैं वहाँ पे तो थोड़ा भालू ही देखने को मिलेगा। भालू यार बहुत ही कुछ कुछ रेयर स्पेसिस भी रहते हैं, रेयर स्पेसिस यानी कि जो आमतौर पे दिखाई नहीं देते, कहीं पर भी नहीं मिलते, ऐसे कुछ कुछ स्पेसिस भी यहाँ पर है। इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी भी टाइट रखा जाता है, कहीं उनको बाहर वो जो क्या भेज देते ना सेलिंग करने के लिए, वो ना कर पाए इसीलिए। मतलब बहुत ही बढ़िया प्लेस है ये। चप्पल रख दिए तो रख दिया चप्पल। हाँ चप्पल रख दिया भाई। तो पहुँच गए दोस्तों, ये देखिए गाड़ियों का एंट्री टिकट ₹50 टिकट कर लिया है। अभी वहाँ पे भी एंट्री के लिए ₹10 कुछ लेते हैं ना। हाँ उस पर पास जाके भी मालूम पड़ेगा भाई। हो गया क्या? हाँ, टाइम मिस हो गया। चलो दर्शन करा के लाते हैं, हम भी चलते हैं थोड़ा। हाँ चलो दर्शन कर आते हैं दोस्तों, क्या क्या मिलता है हमको। चलो दर्शन करके आगे चलो ऊपर चढ़ते हैं। अभी गुफा के अंदर गए थे ना, आ रहे हो तो? हाँ आ रहे भाई। धीरे धीरे पत्थर है लग जाएगा, इनको आइडिया नहीं है। ऊपर ऊपर पत्थर है ना सर के ऊपर, अचानक से उड़ जा रहे हैं, सर टकरा जा रहा है ऊपर। बंदर भी है काफी यहाँ पे घूम रहे हैं। मंदिर तो दर्शन हो गया, अभी नदी की ओर भी आए हैं थोड़ा देखने के लिए। पानी तो है अभी भी, काफ़ी कम नहीं हुआ है ना। हाँ। ज़्यादा पानी है तो अभी भी फोर्स है, वहाँ पर जाएंगे तो फिसलने के चांसेस है। बारिश के मौसम में तो और भी ज़्यादा, इतना दूर तक पानी। अरे बारिश के मौसम यहाँ तक, ये देख रहे हो ना यहाँ तक आता है, मतलब सोचो कितना फोर्स होगा। पत्थर बहुत है, डेंजरस भी प्लेस है, इसलिए मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा जो भी आएंगे थोड़ा केयरफुली रहिएगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स पहले भी हो चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि जरा सी गलती फिसल जाएंगे तो। बड़े बड़े पत्थर हैं, पानी का जो फोर्स होता है आपको लेकर कहीं पर भी मार देता है जोर से, इसी वजह से खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। और नए में ग्रिल लगाने के लिए तो काम भी थोड़ा थोड़ा। हाँ अभी जैसे भी तो क्या है लगता है, डेवलपमेंट काम चल रहा है अभी, और भी डेवलप होना है, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब चल रहे हैं, फ्यूचर में हो जाएगा। तो अभी क्या करें,
लंच करने चले, भूख लग रही है भाई बहुत। हाँ भाई, मुझे भी पेट में चूड़ा बूढ़ा दौड़ता है भाई। चूड़ा या चूहा? चलो, बोलने को भी नहीं होता, अभी इतने भूख लग रही है। हमारा छोटा यूट्यूबर को थोड़ा पूछो ना भाई, मुझे क्यों पूछ रहे हो? भूख लग रही कि नहीं? हाय बोलो थोड़ा। हाय बोलो। हाय। नहीं, इसको खाना वाला थोड़ा खिलाएंगे। खिलाएंगे, ये रिश्वत मांग रहा है मुझे, खाना दो फिर मैं बोलूंगा। चलो खाते हैं, चलो। ताला शुरू करें? हाँ, शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, शुरू करो। तो फाइनली तो जाके आ गए दोस्तों, घूमना आज का खत्म हो गया, गुप्तेश्वर दर्शन कर लिया हमने। कैसा लगा भाई? हाँ, मुझको तो बढ़िया फीलिंग हुआ भाई। आज बाकी जीवनी का पहला ब्लॉक है भाई। बिल्कुल सही। बाकी गाड़ी में स्टिकरिंग वगैरह करना है, लोगो वगैरह प्रिंट करना है, वो कल करेंगे मैं सोच रहा हूँ। तो आज तो काफ़ी टाइम हो गया है, तुमको भी ड्यूटी जाना है ना? हाँ भाई, बहुत मुश्किल से अभी वाइफ का भी ड्यूटी लगा है, तो वो अभी काम में बिजी है, बच्चों को ससुर के घर में छोड़ के बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल के आए थे। अभी उनको भी जाके देखभाल करना है, वो आएंगी ये भागेंगे ड्यूटी। पहला जिमनी का आज पूजा करना था भाई, इसलिए शिव जी का दर्शन भी आज कर दिए। बिल्कुल, उसी के लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाला, लेकिन एक और दिन भी टाइम निकालना पड़ेगा। क्या वो ये है, क्योंकि गाड़ी में पहला कैंपिंग होने वाला है, पहला कैंपिंग, तुमको शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, पहला कैंपिंग दोस्तों हमारे साथ बनी रही है, पहला कैंपिंग। बिल्कुल शामिल होना, छुट्टी ले लेना। ठीक है, कैसे भी करके छुट्टी ले लेना एक दिन। इतने दिन इतने मेहनत के बाद जिमनी का पूरा सक्सेस हुआ, जिम कैंपिंग कैसे छोड़ सकते हैं? पहला वीडियो तो आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए पहला जो वीडियो बनाएंगे उसके लिए जैसे भी करके छुट्टी ले लेना। ठीक है, जाएंगे किसी जगह पर ऑफ रोडिंग करके, मस्त एडवेंचर वाला कैंपिंग करके आएंगे। हाँ भाई, ठीक है। बाकी क्या घर में क्या कर रहे हैं? चाय वगैरह बना रहे लगता है, चाय में पी के जाओ भाई, अभी इतने आसानी से कैसे भागोगे तुम? है, चाय तो पी के जाएंगे भाई। हाँ, चाय पी के ही जाना। हाँ, खाना नहीं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। खाना तो वो मंदिर का पास पूरा पेट पेट फुल पेट भर के खाया भाई। इतना सस्ता भी मिल गया ना? हाँ, अरे 70 rupees में मिल गया भाई। हाँ, बहुत अच्छा। तो 70 rupees में मतलब मिक्स्ड करी, चिप्स और एक करी, खट्टा राइस, दाल और क्या चाहिए 70 rupees में? देखो दोस्तों, कभी भी कोरापुट गुप्तेश्वर टेम्पल जाइए तो वहाँ पे खाना 70 rupees में बहुत अच्छा मिलता है भाई। बढ़िया, मतलब एक्चुअली वहाँ पे दो होटल्स है, पहला होटल में 70 rupees, दूसरा होटल का रेट पता नहीं। मतलब जब गुप्तेश्वर से रिटर्न आएंगे, आते वक्त जो लेफ्ट साइड पहला होटल आएगा वहाँ पर वो रेट था, पसंद आया। और अच्छा। एक बात दोस्तों, पूरा शूटिंग तो हम पहले ही हमारे वीडियो में शूटिंग किए थे, इसमें तो दर्शन करने के लिए, गाड़ी पूजा करने के लिए ही जा गए थे। तो उसका लिंक, दो वीडियो हम बनाए थे ना, उसका जो मेन वीडियो जो हिंदी में हम बनाए थे, पूरा डिटेल्ड वीडियो, सब कुछ उसमें डिटेल दिया गया है, और भी प्लेसेस एक्सप्लोर करके दिखाए हैं, खास करके ड्रोन वीडियोस में। तो वो सब वीडियो का जो वो लिंक है वो मैं पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको पसंद आएगा वो प्लेस। उस वक्त तो और भी एडवेंचरस था वो प्लेस भाई, खतरनाक था वो घाट सेक्शन वगैरह सब हमने फिल्म किया था, और नदी के पास भी जाकर ड्रोन वीडियोस भी लिए थे, और काफ़ी डिटेल्स बताया है, एकदम डिटेल्स, सब स्टोरी जो भी कुछ है वहाँ पे वो सब कुछ बताया है उस वीडियो में मैंने। और हमारे जो भाई, जो स्वाधीन भाई, जिनकी मदद से हम ये सब सक्सेस कर पाए, उन्होंने ही बहुत मदद किया हमको, मतलब गाड़ी वाड़ी एक्सचेंज कराने में, नया गाड़ी लेने में बहुत ही हेल्पफुल रहे, वो कोऑपरेट कर रहे थे हमको। तो उनका भी नंबर और उनका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको कभी गाड़ी लेना है हमारे एरिया से, हमारे एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से, तो लेजेंड कार्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नेक्सा लेजेंड कार्स, उनका नंबर भी फ्लैश हो रहा है बस स्क्रीन पे, अगर चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनसे। और उनके लिए भी फिर से धन्यवाद उनको, उनको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया भाई, इतना हमारे लिए किया उन्होंने। ठीक है, तो चलो जब तक कैंपिंग में मिलते हैं तब तक क्या करेंगे भाई? तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा जिमनी के साथ, और मिलेंगे दोस्तों, नमस्ते, राम राम।